डस्ट आ रही है, इसको उठाओ, पीस को उठाओ। बेटा इधर कपड़ा मारो, इधर दरवाजे पे इधर आ जाओ। चार दिन लगे हैं हमें इस गाड़ी को रेडी करने के लिए। आज हमारे पास मर्सिडीज E200 2021 मॉडल जियोन PPF के लिए आई है। इस वीडियो में मैं आपको PPF इंस्टॉलेशन के प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। PPF इंस्टॉलेशन जल्दबाजी का एक या दो दिन का काम नहीं होता, इस गाड़ी पे तकरीबन हमें चार दिन लगेंगे। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। बिफोर PPF यू आर स्टार्टिंग विद कंपाउंडिंग प्रोसेस। अक्सर लोग ये समझते हैं कि PPF की नई गाड़ी अगर आई हुई है तो उसमें कंपाउंडिंग की ज़रूरत नहीं है, गलत है। इफ़ यू कैन सी, हमारे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्विल मार्क्स एंड हेयर लाइंस हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम इसको बगैर डिटेल के, बगैर प्रॉपर डिटेलिंग के PPF पे लेकर आएंगे तो कभी भी हमें हमारा डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिलता। हम नॉन एब्रेसिव या जीरो एब्रेसिव जियोन और मैगवायर्स के कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं। हम इसमें कोई हाई एब्रेसिव कंपाउंड यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि ये बहुत पुरानी गाड़ी नहीं है, इट्स अ न्यू व्हीकल। अभी प्रोसेस हमारा कंपाउंडिंग का ही चल रहा है कि हम यहाँ पे इसकी क्लैरिटी पे काम कर रहे हैं ताकि हमारा पेंट जो है परफेक्ट कंडीशन पे हमारे सामने आए। कंपाउंडिंग अभी फिनिशिंग स्टेज पे है। कंपाउंडिंग का बेनिफिट आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास गाड़ी है जिस पर हमने कोई प्रोसेस नहीं किया, इस पर सिर्फ अभी हमारी बेसिक कंपाउंडिंग कम्प्लीट हुई है। आज सेकेंड डे है हमारे पास मर्सिडीज़ का। हम बेसिक प्रोसेस कम्प्लीट कर चुके हैं और अब इसका एक बेसिक वॉश कर रहे हैं ताकि जो कंपाउंड्स वगैरह हमारे एजेस में हैं वो क्लियर हो जाएं। गाड़ी हमारी वॉश के बाद पॉलिश डिपार्टमेंट में आ गई है। अब ये PPF से पहले का हमारा लास्ट स्टेप है जिसमें हम पॉलिश कर रहे हैं। इसके बाद गाड़ी थॉरो वॉश पे जाएगी। इसका जो पेंट है दैट्स वेरी ब्यूटीफुल कलर, तो ये अपने मैक्सिमम साइज पे रिवाइव करने के लिए वी आर यूजिंग द जियोन पॉलिश। बेसिक पर्पज़ ये है इसका कि हमारा जो इसका मेटालिक लुक है गाड़ी के पेंट का वो तो मैक्सिमम साइज पर हम रिवाइव करें। हमारे हेयर लाइंस अगर कंपाउंड से कोई रह गए वो क्लियर हो। डार्क गाड़ियों पर इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो मसला आता है वो होलोग्राम्स का आता है। हम जब पॉलिश यूज़ कर रहे हैं तो वी आर मेकिंग इट श्योर कि गाड़ी हमारी होलोग्राम भी फ्री हो। गाड़ी हमारे पास PPF रूम में एंटर हो गई है। अब हम इसकी मार्किंग कर रहे हैं, स्केलिंग कर रहे हैं, पीस कट करेंगे अकॉर्डिंग टू साइजेस। इसके बाद हमारा PPF इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। गाड़ी पर रख के पैनल्स पे हम सिर्फ अभी मार्किंग कर रहे हैं, कटिंग हम इसकी ग्लास पे करते हैं, गाड़ी के ऊपर नहीं करेंगे ताकि बॉडी का कोई हमारे पास कट जनरेट ना हो। स्टार्टिंग विद बोनट, अब सबसे पहले पैनल को अपने वॉश करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे शैम्पू यूज़ कर रहे हैं। ये फिल्म इंस्टॉल करने के लिए हमें सिर्फ शैम्पू की ज़रूरत होती है। वी आर यूजिंग मैगवायर्स हाइपर वॉश शैम्पू। इसी के साथ हम फिल्म की पेस्टिंग करेंगे और यही शैम्पू हम फिल्म के ऊपर भी स्प्रे करते हैं ताकि स्क्वीजी या वाइपर मार्क्स हमारे पास जनरेट ना हो। ई क्लास के बोनेट पर हमारे पास कर्व्स एंड एजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे स्क्वीजी एंड वाइपर का यूज़ बहुत ख्याल से किया जाता है। यहाँ पे PPF को बिठाना और शैम्पू क्लियर करना होता है ताकि नेक्स्ट डे हम इसके एजेस को फोल्ड कर सकें जब इसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा। एजेस पे हमारे पास डस्ट आने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं तो इस पे नज़र भी हमें स्ट्रॉन्गली रखनी पड़ती है। यहाँ पर हम एजेस बिठा के देन इसको वाइपर करेंगे। हम इसका रियर फेंडर इंस्टॉल कर रहे हैं। ये गाड़ी हमारे पास कंप्लीट पैकेज के लिए आई हुई है, तो रियर फेंडर विद दिस ए पिलर्स हम आगे तक इसका पिलर वन पीस में लेकर आ रहे हैं। अभी फेंडर कंप्लीट करके हम इसी तरह स्टिक करके फिल्म को इसी तरह छोड़ेंगे। जब ये मॉइस्चर का एब्जॉर्ब हो जाएगा यानी कि नेक्स्ट वर्किंग कल जब हम आएंगे तब हम इसको फिनिशिंग स्टार्ट करेंगे। अभी इसके एजेस में क्योंकि मॉइस्चर है और हमने फिल्म की ग्रिप हमें यहाँ तक कंप्लीट चाहिए, इसलिए अभी हमने यहाँ तक इसको स्टिक करके लाइक दिस छोड़ दिया। PPF इंस्टॉलेशन के वक्त बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना होता है। अभी यहाँ पे हमें डस्ट पार्टिकल फील हुआ तो हम एक दफ़ा पीस को और अपने बेस पैनल को दोबारा से एक दफ़ा वॉश करेंगे। अभी हमने पीस निकाल के उसको रीवॉश किया, हमने अपना पैनल वॉश किया, अब हम उसको दोबारा एप्लीकेशन कर रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारे इंस्टॉलेशन में किसी भी किस्म का डस्ट पार्टिकल ना आए। Yeah.
बेटा इधर कपड़ा मारो, इधर दरवाजे पे इधर आ जाओ। गाड़ी हमारी फिनिशिंग पे आ गई है। इट्स अ फोर्थ डे टुडे, चार दिन लगे हैं हमें इस गाड़ी को रेडी करने के लिए। फिनिशिंग अभी चल रही है, क्योरिंग चल रही है इसकी। कस्टमर इज ऑन द वे, रास्ते में पहुँच रहे हैं। आप फिल्म चेक कर सकते हैं। हमने जो प्रोडक्ट यूज़ किया इस पर, दैट इज़ जियोन PPF Enhance। जियोन के हम सर्टिफाइड डिटेलर हैं। दिस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार केयर ब्रांड। ये प्री कोटेड फिल्म है। आप जो ग्लॉस चेक कर रहे हो गाड़ी पे, ये फिल्म की अपनी ग्लॉस है। हमने इसके ऊपर कोई कोटिंग या कोई पॉलिश नहीं की, और ना ही अगले 5 साल तक इसमें किसी किस्म की कोटिंग या पॉलिश की ज़रूरत है। इसका फील प्री कोटेड की वजह से, जो स्लिकनेस है इसकी, ये फिल्म की अपनी स्लिकनेस है। प्लस ये सेल्फ हीलिंग फिल्म है। जो स्विल मार्क्स होते हैं, हेयरलाइन स्क्रैचेस होते हैं, दैट विल बी सेल्फ हील। यानी कि गाड़ी हमारी एक स्विल फ्री लुक में मेंटेन रहती है। ये एक्सट्रीम प्रोटेक्शन है अगेंस्ट द स्टोन चिप्स, की स्क्रैचेस, और जो मैक्सिमम डैमेजेस एक रोड पर चलती हुई हमारे यहाँ यूजली कराची में गाड़ियों को होता है, उससे फिल्म प्रोटेक्ट करती है। दिस इज द वर्ल्ड्स ओनली कलर एनहेंसमेंट टेक्नोलॉजी फिल्म। जो इसकी बूस्टेड का आप ग्लॉस देख रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि ये कलर एनहेंसमेंट टेक्नोलॉजी की फिल्म है। कलर को डल नहीं होने देती, उसको बूस्ट करती है। यूजली जो नॉन कोटेड फिल्म्स होती हैं, उसका मैनुअली कोट या पॉलिश किया जाता है उसको, थोड़ा सा ग्लॉसी दिखाने के लिए, ग्लॉसी करने के लिए। लेकिन क्योंकि ये प्री कोटेड फिल्म है, तो इसके ऊपर किसी किस्म की हमें पॉलिश या कोटिंग की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त इंटीरियर सरामिक कोटिंग्स हमारी प्रोसेस में है। इसमें हम ट्रिम्स पे जियोन Q2 ट्रिम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटीरियर सरामिक कोटिंग्स का मेन बेनिफिट ये होता है कि हमारे इंटीरियर यूवी से प्रोटेक्शन मिल जाती है। जो यूवी रेज इंटीरियर को डैमेज करती हैं यूजली, उससे गाड़ी बचती है। प्लस हाइड्रोफोबिक करती है, एंटी स्टैटिक होती है, या मीन्स इसके ऊपर डस्ट या पानी रुकता नहीं है, ईजी टू मेंटेन हो जाती है। इतना खूबसूरत इंटीरियर है, इसको प्रोटेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। गाड़ी हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अब आप स्क्रीन पे अपने फिनिशिंग लुक चेक करें।